और मैं पता आपको कल जब वीडियो नहीं बनाई थी तो कल हमने बहुत खुश थे। कल हम लोगों ने ना एक बहुत ही बड़ी चीज़ जो थी वो सॉर्ट करी। सालों बाद इतनी गंदी खबर है, बहुत गंदी खबर है, क्योंकि हर चीज़ को दोबारा से करना, इट्स लाइक हर चीज़ की नई स्टार्ट करना। इतनी टेंशन में मैं मतलब शाम से इतनी टेंशन कि क्या करेंगे। आज है मंडे और ना राजा ऑफिस गए हुए हैं और आज का दिन पता है हम लोगों पे बहुत भारी, मेरा मन बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। मैंने कल वीडियो शूट नहीं करी थी, परसों मैंने जिया का रूटीन शूट किया था। चाय बनाने आई थी और राजा के ऑफिस से कॉल आया, राजा ने मुझे एक ऐसी चीज़ बताई और मैं पता आपको कल जब वीडियो नहीं बनाई थी तो कल हमने बहुत खुश थे। कल हम लोगों ने ना एक बहुत ही बड़ी चीज़ जो थी वो सॉर्ट करी और ना हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा सॉर्ट होना चाहते थे। और मतलब क्या चीज़ें हैं जो इधर हैं, मगर हम लोग सही करना चाह रहे थे सब कुछ। तो हम लोगों ने ना फाइनल करा, सब कुछ हो गया है और अभी उसका टोकन मनी लेना था। और राजा कॉल आया मेरे पास और वो हम लोगों के लिए ना सालों बाद इतनी गंदी खबर है, बहुत गंदी खबर है, क्योंकि हर चीज़ को दोबारा से करना, इट्स लाइक हर चीज़ की नई स्टार्ट करना, सबसे पहले तो उस चीज़ को ढूंढना। तो मेरा दिल बहुत भारी हो, तो मैं लगा चाय पी लेती हूँ। मेरा ना आज दिल बैठ है और मैं ना कभी भी पहले बोल, हाँ जिया और डुब्बू और जिया यहाँ पे मेरे हौसल नहीं है, वो चली गई थी, वो कह रही है सुबह शाम था उनके बेटे को आँखों में कुछ प्रॉब्लम है तो वो गई है। तो तो ये बालकनी में जाके बाव बाव खेल रहा है। दोनों ना एक साथ रो रहे हैं यार। आ रही हूँ। चटाई बिछाएंगे, चटाई पे खेलेंगे, है ना। अरे तुम दोनों, उन दोनों को देखिए बस मेरा क्या होगा। अरे ये ना वो है भैया, जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो लफड़ा हो गया यार। तो यार डुगू को ना हेलुसिनेशन हो गया है, यानी डायरिया हो गया।
और एक डेढ़ दो घंटे में 3 बार, और वो भी एकदम पूरा समझ में आ रहा है। इसका कल स्कैन है, मतलब अभी ट्यूसडे को, और राजा कह रहे हैं अब उसकी जगह दूसरे डॉक्टर के पास ना लेके जाना पड़े। और इतनी मुश्किल से स्कैन की जो डेट है वो शेड्यूल हुई फाइनली, और इसको डायरिया हो गया। पिछली बार इसको डायरिया हुआ था और डॉक्टर ने एडमिट करने के लिए बोल दिया था, क्योंकि इसने खाना बंद कर, इसने अभी 3 दिन से ना प्रॉपरली खाना नहीं खाया है। ये एक एक बार थोड़ा थोड़ा खाना खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है। अभी मैंने इसे एक केला दिया, हालांकि रात हो रही है पर केला दिया ताकि कुछ तो खा ले। पता नहीं क्या हुआ है यार, इसकी अलग तबियत खराब। मेरे एक चीज समझ नहीं आ रही, तुमने बोला है बकायदा। मैंने बोला था कैसे, मैं 2-3 दिन पहले तुमसे कहा था इन लोगों की तबियत खराब हो गई। तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, और आज व्लॉग मैंने बनाया था, खाना वाना बनाया है, और मेरे बाल यार ऐसे निकल रहे हैं देखिए। और कल डुगू का स्कैन है, और जिया का कुछ और काम भी है, जिया और अद्विक का कल स्कैन है। और हम लोग काफ़ी ज़्यादा ना डरे हुए हैं उसके वेट के कारण, हम लोग काफ़ी ज़्यादा उसमें। ऑल दो अगर हेरिडिटी देखते हैं ना, और बीएम वाला भी एक मैंने आप लोगों को बताया था, तो बीएम भी हो सकता है। और हेरिडिटी में राजा जो बचपन में बहुत मोटे थे, बहुत मोटे थे, और बाद में वो सही हो गए, तो ये भी हो सकता है। बट क्योंकि हम लोगों में ऐसी कोई वो नहीं थी बचपन में, जो कि डुगू का स्कैन से पता चला था, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा कंसर्न रहता है। तो हमें ट्यूसडे की अपॉइंटमेंट मिली है, मतलब कि आप जो ब्लॉग जा चुके हो तो उसका स्कैन हो गया होगा। बस डर लग रहा है, सब लोग बहुत सारी प्रे करिएगा, क्योंकि जिस टाइम हमने इसका स्कैन कराया था पिछले साल, ये एकदम सही था और एकदम फिट एंड फाइन, एंड अभी भी ऐसा है कि एक्टिव है, सब कुछ है, बट वेट जो है उसका थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, तो वेट इश्यू है, तो उसके लिए बस थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ना, हम लोगों को सालों बाद जो हम लोग सोचते थे ना वैसा घर मिल गया, एकदम प्रॉपर पूरा हम हाँ करके आगे। और अभी भी हमने उन्हें ना थोड़ा सा टाइम दिया है, और उनको इस महीने का टाइम दिया है एंडिंग का, टाइम बाद हमें एक घर मिला जो कि हम सोचते थे फॉल्स सीलिंग हो और प्रॉपर जो घर होता है मॉडल किचन हो, उसमें सब कुछ, मतलब बहुत प्यारा घर। अभी डाला नहीं है ना आपने, दिखाया नहीं है ना, आप लोग देख के खुश हो जाएंगे कि एक बार में एक नजर में वो घर किसी को भी पसंद आ जाए, क्योंकि हमें वैसा ही घर चाहिए था। हम सालों से वही ढूंढ रहे थे जिस पे हमारी कल सर्च फिनिश हो गई थी। उससे पहले हम फ्लैट देखने गए थे, फ्लैट भी हमें पसंद आया था, ऐसा नहीं है पहले फ्लैट पसंद आ गया था, फ्लैट भी ऐसा था कि हमारे ऑप्शन में है वो अभी भी है, और वो घर भी है, ड्यूप्लेक्स है वो, और वो सेकंड फ्लोर भी है, बस सेफ्टी इशू है उसमें से रिलेटेड। बाकी फ्लैट का भी था इंतजाम कि हाँ है। हम लोग कल पूरा हो गया था, इन्हें जाना था आज दिन में, उसका टोकन अमाउंट हम लोग दे रहे थे 2 महीने का एडवांस, ब्रोकर का हाफ और फर्स्ट मंथ का किराया, जो कि हो सकता है इस महीने की एंडिंग तक हम लोग कर दें, क्योंकि अभी फिलहाल इनका साथ ऐसा कुछ हो गया, बिकॉज आज में नहीं आता जब भी हम लोग कुछ करने वाले होते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि यार ना 2-3 साल में बड़ी मुश्किल से हम लोगों का फाइनल हुआ, कि जो 2-3 साल से अड़ंगा डाल रहा था, कुछ ना कुछ अड़ंगा डालता, वो आज लाइफ का सबसे बड़ा अड़ंग है जो डला है। तो जैसे कि मैंने हम लोग को पहले भी वीडियो में बताया कि राजा का जो ऑफिस है वो रेंटेड प्रॉपर्टी पे है, और 2021 नवंबर में जिस टाइम हम लोग फर्स्ट टाइम डुगू को लेके जा रहे थे नानी के घर, उसके जब डुगू 4 महीने का था, उस टाइम पे जो इनके ऑफिस के ओनर थे जो वो एक्सपायर हो गए थे, करंट लगने से उनकी अपना, आई थिंक मैंने ये भी आप लोगों को बताया था, करंट लगने से एक्सपायर हो गए थे उस टाइम पे, दिवाली का टाइम था आई थिंक, छोटी दिवाली या धनतेरस के आसपास ऐसा कुछ हुआ था। तो उन्हें हाई टेंशन वायर पे वो कुछ घर का ऊपर था, हाई टेंशन वायर जा रही थी, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ऊपर, तो वो ऊपर देखने गए थे और वो उसमें चिपक के ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे, मतलब 90% पूरी बॉडी उनकी अपना जल में बर्न्ड हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ, सब सही चल रहा था, इवन अभी तक भी सब सही चल रहा था। आज उनका फोन आया मेरे पास, इन्होंने बोला शिवानी भाइयों के बीच उनके कितने बेटे हैं, 2-3 महीने से हम लोग को पता चल रहा था मार्केट वालों कुछ हो गया है, 5-6 अपना ऑफिस है हमारे, जो मार्केट है जहाँ मेरा ऑफिस है, 5-6 ऑफिस है, तो 2-3 महीने पहले से अपना चल रहा था कि उनके बीच में अपना भाई, 3 भाई हैं उन लोग, तो उनके बीच में डिफरेंसेस हो रहे थे, लड़ाई झगड़े अपना प्रॉपर्टी को लेके, और इस महीने उन फाइनल हो गया है कि वो दुकान वालों को, उन्होंने जो भी ऑफिस थे वो उन्होंने नोटिस दे दिया है 1 महीने का, कि 1 महीने में अपना ऑफिस खाली करना है।
मतलब इतनी टेंशन हो गई एकदम से, 10 साल से जमा जमाया क्या, ऐसा लग रहा था कि 2-3 साल मैंने पहले से बातें चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा लड़ाई नहीं होगा, होती रहती है, पहले भी हुआ था क्योंकि आज से 7-8 महीने पहले भी हुआ था, लेकिन उस समय सॉल्व हो गया था उनका, लेकिन आज इस बार उस समय हमने नोटिस नहीं किया था और आज उन्हें सारे जितने भी मतलब एग्रीमेंट में रहता है कि अगर आपको खाली करवाना हो तो 1 महीने पहले आपको नोटिस देना पड़ता है और उन्होंने सबको नोटिस दे दिया। हम लोग इतने टेंशन में, मैं मतलब शाम से इतने टेंशन में कि क्या करेंगे, कि मेरा जो काम है वो बैंक से रिलेटेड है और मेरे ऑफिस के सामने ही जस्ट SBI बैंक है, थोड़े से आगे में यूनियन बैंक है, राइट साइड में थोड़े से आगे में यूनियन बैंक है और लेफ्ट साइड में थोड़े से आसपास में बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो मेरा जो मेन काम है वो बैंक का ही काम है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि और आज ही हम लोग ने, अभी मैं शाम को मैं देख के आया हूँ क्या है, जो मार्केट है हम लोगों का वो बहुत ज़्यादा मतलब रश रहता है वहाँ पे, तो वहाँ हम लोग ने पता किया है, मैंने एक और अपना जिनकी शॉप है उन्होंने पता किया, तो वहाँ पे आसपास में दूर दूर तक कोई भी दुकान खाली नहीं, मतलब दुकान खाली नहीं, दूर मिलेंगी तो दूर मिलेंगी, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि मैं सोच रहा था कि बैंक के आसपास में ही मिल जाए। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, दूसरी जगह मेरे को पूरा सेटअप है दोबारा सेटअप, फिर से पूरा ऑफिस का सेटअप करना पड़ेगा, जहाँ भी कहीं ना कहीं तो लेना पड़ेगा, ये जैसा भी होगा देखेंगे क्या होता है। कुछ साल पहले मैं इनसे कहती थी यार रेंटेड प्रॉपर्टी हमेशा मैंने देखा भी था परचेज करने के, लेकिन आसपास में बैंक जहाँ पे मेरा ऑफिस है मैं सोच रहा था उसके आसपास में मिल जाती, तो बहुत ज्यादा एक तो प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं वहाँ पे, लेकिन अभी खुद का घर आप मान के चलिए हमारा जहाँ पे घर है यहाँ पे 3,000-4,000 अगर है स्क्वायर फीट, तो वहाँ पे 7-8 हजार रुपए स्क्वायर फीट के नीचे बात ही नहीं हो रही। लाइक अगर आपका ये वाला घर इतने का होगा तो इतनी सी प्रॉपर्टी एक कमरा, अगर ये वहाँ पे अगर इतना एरिया 2400 स्क्वायर फीट का हमारा ये घर है, अगर वहाँ पे हो तो ये कम से कम अगर हमको खरीदना है अगर इतना बड़ा घर तो 5-6 करोड़ रुपए उस एरिया में लगेंगे, ऐसा एरिया है वहाँ पे, दुकानें भी करोड़ों में जा रही हैं, जो बड़ी जिस हिसाब से मेरे को ऑफिस बनाना है अपना अभी मेरा रेंटेड है वो करोड़ों में जा रही है, तो कहाँ से इन्वेस्ट करें। इनका भी किराया था वही 22,000 था, हर साल 10% बढ़ रहा है, वो बढ़ाते भी ऐसे थे डायरेक्ट, कितने हमने जब ली थी वो तब यार कितना कम था, आई थिंक 10,000 कुछ था और अभी 22,000। इससे पहले हमारा उसके सामने ऑफिस था, फिर हमारे दो दो ऑफिस थे, उसके बाद फिर एक ऑफिस जल गया था, वो बंद कर दिया था परमानेंट, तो एक ही ऑफिस रह गया था और वो भी इस महीने के आखिरी तक, और कल से मेरे को सर्च पे रखना पड़ेगा, भले दूर लेनी पड़ेगी कहीं भी लेनी पड़ेगी और पूरा दोबारा से पूरा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो घर का क्योंकि जो हम लोग घर अपना ड्यूप्लेक्स हम लोगों ने फाइनल किया है उसका मंथली 30,000 था, तो 60,000 अभी देना पड़ता और उसके बाद जो शिफ्टिंग विफ्टिंग का लगता है तो मतलब 1 लाख के ऊपर तो लग ही जाता। और एकदम से अभी ये है तो वहाँ पे सेटअप करना है, तो मेरा जैसे यही कहे कि हम तो यार भूल जाते हैं कि हम कभी शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जब भी हम शिफ्ट करने के बारे में सोचते तो कुछ ना कुछ होता है, इससे अच्छा तो हमें तो सोचना ही बंद कर देना चाहिए। अब हमको यही लग रहा है कि अगर ना कल हमने उसको फाइनल किया होता ना मेरे साथ ऐसा कुछ मतलब सोचता है ना, लगातार होता है हो रहा था, 4 महीने हो गए हम लोग के साथ ना, चीजें ना नॉर्मल नहीं हो रही है, 4 महीने से बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो रही चीजें बिल्कुल भी, मतलब कुछ ना कुछ बच्चों की दोनों की तबीयत खराब है, कल जिया को डायरिया था, जिया का आज डुगू को डायरिया, आज डुगू को डायरिया ठीक नहीं हो रहा है, उसे कल पहले स्कैन के लिए लेके जाना है, फिर स्कैन वाले डॉक्टर जो भी बोलती है उसके बाद फिर उसे वो डॉक्टर के पास लेके जाना है जो कि उसका इलाज करते हैं इस चीज का, सुबह तक अगर रिकवर नहीं होता तो वही हो गया कि हम लोग कहते हैं ना अगर कहा जाए तो एकदम से नहीं। और दिक्कत बताए क्या है, दिक्कत ये है जो वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं ना, जिनको बेच रहे हैं वो अपना जो सामने का ऑफिस पीछे का हिस्सा तो वो खुद रख रहे हैं, और जो सामने का है वो उनको वो जो अलग अलग अपना दुकानें बनी है ऑफिस बने उनको तोड़ के वो एक अपने लिए खुद अपना कोई चीज का उनका लोहे वोहे का बिजनेस है, अतिक्रमण में भी जाएगी, अतिक्रमण में तो जाएगी, अभी के लिए वो खुद बना रहे हैं अपने लिए। हम लोगों ने ये सोचा था कि जिसको बेच रहे हैं उनसे हम बात कर लेते तो हम वो भी देते ही किसी ना किसी को किराए पर, वो सामने से तोड़वा रहे हैं ऑफिस पूरे, वो एक जगह बन रही है पूरी उसकी, मार्केट टाइप का जो है वो पूरा एक बना रहे हैं। इट्स लाइक लाइफ का यार 10 साल से जो नहीं हुआ मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, ज्यादा हो गया सारे 10-12 साल हो गए, 11 साल हो गया 2011-12। हां तुमने तो शादी से पहले खोल लिया था, मैं शादी के पहले ही ऑफिस खोल लिया था, इट्स लाइक 11-12-13 साल तेरह साल वहाँ पे उन्होंने किया है सब कुछ, एक घर चलते हैं यार सीसीएम लोग सब कुछ,
जो भी है, और तो आप सोच सकते हैं दो बच्चे और सारी टेंशन बोलते हैं ना जब भी हमारी लाइफ में ना खुशी तो नहीं, हमारी लाइफ में तो टेंशन ही टेंशन आ रही है, टेंशन और एक साथ आती है सारी टेंशन। और ये जो है ना ये कहते हैं आपका एक लेकिन कल रात को बहुत खुश थे हम लोग, ये आप कल आप व्लॉग देखेंगे, व्लॉग में अपना आप जब ड्यूप्लेक्स देखेंगे तो आपको खुद बहुत ही अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा, सबको पसंद होता है ना कि अगर आपका 30,000 रेंट देना है तो आपकी डबल इनकम है, एक मेरी होगी एक इनकी होगी, तो आपको कहीं ना कहीं रिलैक्स होता है कि बच्चा का खर्चा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो सब मिला के पूरा हो जाता है। पर एक फिर अभी इनको सेटअप करना होगा, सब करना होगा, उसके बाद पे जाए क्योंकि अब जाएंगे वो वहाँ की पगड़ी देंगे, फिर वहाँ पूरा सेटअप तो पगड़ी जा रही है, लाखों में पगड़ी जाएगी, फिर उसके बाद फिर ऑफिस का पूरा सेटअप, इनने वहाँ पे भी फॉल सीलिंग्स वगैरह करा के रखी थी वो भी गया, सब गया क्योंकि अब तोड़वाएंगे थोड़ी नया किसी का, वो है वो तो बहुत चीप लगेगा, आपको भी कुछ नहीं मिलना, क्या 50,000 मिलना है जो डिपॉजिट है उनके पास खाली, वो भी कितने साल पहले का 14 में खोली थी वो, तुमने वो वाली तुमने 14 में खोली थी, ये 16 में 14-16 में खोली थी, अब तो लाखों में डिपॉजिट जा रहा है ना, दिक्कत ये हो गई कहीं भी मैं ऑफिस लूंगा वहाँ पे 1-1.5 लाख रुपए डिपॉजिट मांग रहे हैं, 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट जाने वाले ना, हम कल जाते यही बोल रहे हैं कि ना हम कल जाते ना ये होता, पर ये होना था वैसे तो, अभी नहीं होता तो आने वाले 6 महीने में 1 साल में होता, हाँ ये तो था, अभी नहीं होता आने वाले समय में होता, प्रॉपर्टी को लेके कि अगर एक भाई है, दो भाई है, तीन भाई है, तो वहाँ पे ये है कि उन्हें सिर्फ वो प्रॉपर्टी दिख रही है पापा की अपनी, और वो जो भी करना चाहते हैं उनसे बेच के प्रॉपर्टी का हिस्सा कर लेंगे, कॉल आया एक यहीं पे रहते हैं और एक और बाहर रहते हैं, फिर उनका कॉल आ गया कि हमने एंड टाइम दे दिया, एंड ऑफ द मंथ दे दिया एंड आप लोगों को खाली करने का कॉल आया है, और मेरे हाथ पर कांप रहे कि यार आज जाके डिपॉजिट करना था, हम लोग सोच रहे थे कि मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं उससे पहले शिफ्ट कर जाते हैं क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि वो ऐसे कि वो ऐसे माहौल में घर आए, तो हम लोग को लगा एक हफ्ते में, हम लोग मूवर्स पैकर से भी आज बात करने वाले थे यहाँ पे जो है कि सब कुछ पैक करके लाएंगे, बच्चों के साथ हम लोग को वो नहीं था, और मैं नहीं चाह रही थी कि वो ऐसे माहौल में घर में रहें, बट खैर यार क्या कर सकते, मम्मी पापा आ रहे हैं तो मैंने वो भी नहीं ना कि अब यार उनका भी प्लान बना, फिर हम लोग का ये है कि आज की कंडीशन देख के कि हम लोग भी जा रहे हैं, लेकिन क्या और मेन बात ये है ना कि इनने फायदा इसलिए उठाया क्योंकि अगस्त में हम लोग का एग्रीमेंट खत्म हो गया, एग्रीमेंट खत्म हो गया, अगस्त में एग्रीमेंट खत्म हो गया, अगर एग्रीमेंट खत्म नहीं होता तो एक दो महीने रोक सकते, एक दो महीने रोक सकते, ऐसे नहीं रोक सकते, आप जगह उनकी है आप अपना क्या कर, वो तो बोलोगे तो आप तो कब्जा करने की कोशिश कर, तो यार यही है यार एंडिंग में डालूंगी वो घर, पर अभी तो फिलहाल नहीं, अभी तो हम लोगों को रुकाया है, पर फिर भी हम लोगों ने कि महीने के एंड तक अगर राजा को एक हफ्ते मिलता है, ये बोला है कि अगर हमें कोई नहीं मिलता है दूसरी पार्टी तो हो सकता है वो 2 महीने तक भी ना जाए, उन्होंने ये बोला भले अगर पार्टी नहीं मिलती तो क्या है 30,000 यहाँ के लिए बहुत ज्यादा है अपना रेंट, हम लोग मेट्रो में नहीं रहते, हम लोग एक छोटी सिटी में रहते हैं, जबलपुर में रहते हैं हम लोग, जो ब्रोकर है उसने बोला है भैया कि मैं ये वाला डुप्लेक्स जिस ब्रोकर से मेरी बात हुई थी वो परसों हुई थी नए ब्रोकर से बात, मैं 2-3 महीने से दिखा रहा हूँ, अभी तक 3 महीने से तो नहीं गया, 3 महीने पहले वहाँ पे उनका ट्रांसफर हो गया है, 3 साल से कोई SBI बैंक में थे वो रह रहे थे वहाँ पे, तो 3 महीने से तो वो खाली पड़ा है, तो वो बोला हो सकता है अभी 2-3 महीने और खाली रहे क्योंकि उससे कम में वो दे नहीं रहे, बोल रहा था 24 में कोई फाइनल करना था लेकिन वो नहीं माने क्योंकि डुप्लेक्स बहुत बड़ा है, 4BHK अपना सेकंड फ्लोर तक का डुप्लेक्स है, मतलब बड़ा डुप्लेक्स है वो, तो वो और जिनका है वो उनके और भी बहुत सारे अपना डुप्लेक्सेस है, तो वो वैसे पैसे आ रहे तो उन्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा है, ब्रोकर ये कह रहा था, और वो डुप्लेक्स मेरे स्कूल का फ्रेंड है उसने बनाया है, मेरे को आज मैं जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं उसके बाजू में मेरा अपना स्कूल का फ्रेंड, मेरा फर्स्ट फ्रेंड था उसका घर है, तो वही मैंने उसको फोन लगाया था उसके बारे में पता करने के लिए डुप्लेक्स के बारे में, ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बोलता है वो तो अरिजीत है अपना अरिजीत जैन, तो उसने बनाया है, तो वो मैं हम लोग का स्कूल का फ्रेंड है, वो कॉन्ट्रेक्टर है तो उसने बनवाया है, सब कुछ सेटअप रहता है ना एकदम से, आपको वही हो गया कि जैसे नया घर सेटअप करने पर नए घर में जाके आपको खुशी मिलती, ऑफिस सेटअप करने के बाद वो हर दिन का स्ट्रेस रहेगा कि हाँ यार अभी देखते हैं ये हो गया, कोई लोन देने वाला इंसान हो तो बताइए जो बिजनेस लोन और पर्सनल लोन दे सके मुझे हाँ तो बस यही है यार, एकदम से कहते हैं ना एकदम से आपका पूरा वर्ल्ड इधर से उधर हो जाता है, पलट गया सब, ऐसे मैंने पुराना जैसे मैं बोला, मैं बोला यार अभी होना था हो जाता, अब शायद बच्चों से पहले हो जाता चेंज, नहीं अच्छा एक चीज बताऊं, नहीं एक चीज बताऊं, मैं तो ये सोच रहा हूँ हम शिफ्ट हो जाते,
उसके बाद हो जाता। तो बताऊं एक्सपेंसेस बहुत होते हैं यार बच्चों के, आपको पता है बच्चों का सब कुछ अगर मिला लिया, डायपर फॉर्मूला इतने मतलब इतने छोटे छोटे कपड़े वपड़े सब मिलाते 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 बच्चों के अलग, आपका तो फिर सोचो आपको तो फिर उसके सामने 10% नहीं है अगर देखा जाए तो बच्चों के एक्सपेंसेस के सामने। आजकल डेट में दूसरा बच्चा करते नहीं है लोग इसने। यार मेरा तो क्रिसमस का बच्चा था यार, वो तो ऐसा था कि उसे आना ही था यार, आना ही था। मैं तो ये बोल तो भगवान गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है मेरे लिए जी। तो वही है यार, पता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस है अभी लाइफ मेरा, बहुत स्ट्रेस है। और सबसे बड़ा स्ट्रेस फिलहाल कल डोगू का स्कैन है, तो कल जाते हैं देखते हैं यार, अपडेट देते हैं और जैसा भी रहता है। और घर की थोड़ी बहुत वीडियो अटैच करूंगी मैं, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मेरे को बस ये लगा था कि मैं आप लोग को फाइनल गुड न्यूज देने वाली हूँ कि यार ये घर रहा, इसका छोटा सा टूर और उसके बाद हम शिफ्ट कर जाएंगे। उनका मूड खराब हो जाए यहाँ पे आके, और अगर कोई भी आदमी बहन आ रही है सबको ऐसा चाहिए था ना, घर का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। और हमेशा यही होता ही है कि मेरे मम्मी पापा का कुछ भी ऐसा होता है तो घर का एनवायरनमेंट हमेशा ऐसा ही होता है, पता नहीं क्या। तो इंसान चाहता है, मैं ना बहुत जल्द कोशिश करूंगी कि अपना कोई पर्सनल घर तो बनना ही लूँ। फिर वीडियो का एंड और सब प्रे करिएगा, बस सब प्रे करिएगा हम लोगों के लिए भी और डुगू के लिए सबसे ज़्यादा प्रे करिएगा। और मैं तो हर दिन प्रे करती हूँ और हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, ना नेगेटिव सोच रहे हम ना कुछ, ना इवन मैं अब डिस्कस भी कर रही हूँ सब चीज़ें व्लॉग में कि कुछ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और नेगेटिव बात करना भी बंद कर दिया है। कुछ हो भी रहा तो हम डिस्कस नहीं करते, इवन आपस में डिस्कस नहीं करते, उसके बाद भी हो रहा है तो हो ही रहा है ना। चलिए मैं अब मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।